और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों यह समझना है कि कौन किसका क्या लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपके या मेरे मदर फादर हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, एक लड़का है एक लड़की है। तो जो लड़के के जो बच्चे होंगे और जो लड़की की शादी होगी, तो लड़की के जो शादी होगी, लड़की के हस्बैंड उसके फादर का क्या लगेंगे, बताओ क्या लगेंगे? सनी लॉ लगेंगे। ठीक है, तो हमें यह जानना है कि लड़की का, जैसे दो भाई बहन हैं, लड़की के जो बच्चा होगा वह अपनी माँ के भाई को क्या कहेगा? मामा कहेगा, यानी अंकल बोलेगा, यानी मैटरनल अंकल बोलेगा। बुआ को और चाची को, दोनों को क्या बोलते हैं? आंटी बोलते हैं। तो हमें यह चीज़ को समझना है, हम क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि कौन किसका क्या रिलेशन लगता है ये आप सबको आता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट लिखता है उस स्टेटमेंट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज द daughter of, W is the daughter of X, ठीक है, Z is the husband of W, Z is the husband of W, Z is the husband of W, N is the daughter of Z, N is the daughter of Z. N is the daughter of Z. What is the relationship between N to Y? What is the relation between relationship of N to Y? ऑप्शन ए दिया हुआ है, कजन, कजन। ऑप्शन बी दिया हुआ है, नीस। ऑप्शन सी दिया हुआ है, डॉटर। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, हमने डायग्राम सेट कर लिया, हमारा बन गया, चंद सेकेंडों में हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे देखिए, X इज द हस्बैंड ऑफ Y, यानी X हस्बैंड है Y का। यहाँ देखिए, X या तीर के निशान किसके तरफ, Y की तरफ, तो X हस्बैंड है, तो हस्बैंड के लिए S लिख दो, HU, X हस्बैंड है Y का। ठीक है, W इज द डॉटर ऑफ X। अब देखिए यहाँ W जो है, W क्या है, डॉटर है, DO, W किसकी बेटी है, X की। Z इज द हस्बैंड ऑफ W। अब यहाँ Z जो दिया हुआ है, Z हस्बैंड है किसका, W का।
तो जेड हस्बैंड के लिए एच यू, जेड हस्बैंड है डब्लू का, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वह डॉटर है किसकी, जेड की, यानी एन डॉटर है जेड की, यानी एन बेटी है जेड की, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, यानी एन वाई का क्या लगेगा, या एन जो है क्या लगेगा या क्या लगेगी, एन वाई का क्या लगेगा या क्या लगेगी, अब इसको समझिए। एच क्या है, इसका हस्बैंड है तो वाई इसकी वाइफ हो गई, ये फिक्स है। डब्लू जो क्या है, एक्स की डॉटर है, ठीक है, डॉटर है, और जेड इसकी क्या है, हस्बैंड है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एन जो क्या है, इसकी डॉटर है, क्या है, डॉटर है, यानी एन के मदर फादर कौन हो गए, जेड फादर हो गए और डब्लू मदर हो गई, यानी ये मदर फादर हो गए। अब यह इनकी डॉटर है, यह इनकी डॉटर है। अब ध्यान से देखिए, यह इनकी बेटी है, इसका मतलब है कि एक लड़की है, उसकी माँ की जो माँ है या नानी हो गई, क्या हो गई, सॉरी, इनकी बेटी है तो हस्बैंड है, यानी यह मेल है तो यह नाना जी हो गए। एन के क्या हो गए, नाना जी हो गए, यानी ग्रैंडफादर हो गए, और नाना जी की वाइफ क्या हो गई, नानी हो गई, यानी ग्रैंड मदर हो गई। तो वाइफ तो इनकी ग्रैंड मदर हो गई, और एन क्या है, डॉटर है, यानी एन फीमेल है, एन क्या है, फीमेल है। तो देखिए, यह क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई, और यह क्या हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। तो एन का रिलेशन पूछ रहा है वाइफ से, तो एन क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर, क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। इसमें सिंपल चीज है कि जेड हस्बैंड है वाइफ के, यानी जेड और डब्लू हस्बैंड वाइफ है, और एन क्या है, एन डॉटर है जेड की, यानी जेड के पाप, एन के पाप फादर हो गए जेड और मदर हो गई डब्लू। तो माँ की माँ क्या हो गई, नानी हो गई, ग्रैंड मदर, या नानी नहीं, ये मेल है, तो यह माँ के पिता क्या हो गए, ग्रैंड फादर, और ग्रैंडफादर है उनकी वाइफ क्या हो गई, ग्रैंड मदर। तो यहाँ सिंपल हो गया, तो इनकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर हो गई, तो हमारा क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने, नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो यह चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर हम ध्यान से समझे तो, ध्यान से नहीं समझे, हम ज़्यादा स्पीड करेंगे तो ग्रैंड फादर के जगह पे ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, मेल के जगह पे फीमेल हो जाएगा, वहीं पे हमारी सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ आने के बाद भी हमसे गलतियाँ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, F is the brother of A, C is the daughter of A, C is the daughter of A, C is the daughter of A, K is the sister of F, K is the K is the sister of F, and G is the brother of C, and G is the brother of C. पूछ रहा है, who is the uncle of G? तो पूछ रहा है, Who is the uncle of G? ठीक है,
ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी, ऑप्शन सी दिया हुआ है के, ऑप्शन डी दिया हुआ है एफ। ध्यान से अब समझिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, हम सिंपल लिखेंगे या एफ जो है यह ब्रदर है, यानी एफ ब्रदर है किसका, ए का। क्लियर। सी इज द डॉटर ऑफ ए, यानी सी जो है, सी वह डॉटर है, सी डॉटर है ए की। एरो का निशान किसके तरफ है, ए के पास, यानी सी डॉटर है ए की। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, यानी एक के जो दिया हुआ है के सिस्टर है। देखिए सन और सिस्टर दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, तो सिस्टर के लिए एस आई लिखेंगे और सन के लिए एसओ लिखेंगे, तो के सिस्टर है एफ की, यानी के सिस्टर है एफ की। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एंड जी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो यहाँ देखिए जी जो दिया हुआ है वह ब्रदर है किसका, सी का, यानी जी ब्रदर है सी का। तो पूछ रहा है हाउ इज द अंकल ऑफ जी, ठीक है, हमें पूछ रहा है हु इज द अंकल ऑफ जी। अब इसको देखिए, के अब हमें बताना है कि इस जी का अंकल कौन है। तो हमें क्या करना है कि जी जो हमारा है वह ब्रदर है किसका, सी का, यानी जी और सी भाई बहन हो गए या भाई बहन हो गए, और सी क्या है, डॉटर है ए के। डॉटर का मतलब या इसकी बेटी है, तो फिक्स है कि सी और जी दोनों के पिता कौन हो गए, ए। अब ए मदर है कि फादर है ये हमें पता नहीं है, और एफ जो दिया हुआ है वो क्या है, ए का भाई है। अब ध्यान से देखिए, अंकल पूछ रहा है यानी एफ ब्रदर है, तो हमें पता हो गया कि यह क्या है, मेल है। एफ भाई है ए का, सी डॉटर है ए का, यानी सी की यह पिता है कि माँ है यह पता नहीं है, और जी सी का भाई है, यानी जी सी का भाई है, यानी जी और सी के या तो यह फादर होंगे या मदर होंगी, ये क्या है ए, और ए का भाई कौन है, एफ। यानी अगर यह मेल है या फीमेल है यह हमें पता नहीं है, पर यह पता है कि एफ जो है इसका फाई है, ठीक है। यानी यह अगर फीमेल है तो यानी माँ हो जाएगी, तो माँ का भाई भी क्या होते हैं, अंकल होते हैं, या अगर फादर हैं तो फादर का भाई भी क्या होंगे, अंकल हो जाएंगे। तो हमारा जी के अंकल कौन हो जाएंगे, एफ, कौन हो जाएंगे, एफ। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है एफ, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इरेज कर दूं, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए यह चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होता है, हम आसानी से बना देंगे, केवल स्टेटमेंट के बाजीगरी को थोड़ी सी समझनी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, सी इज ए मदर, सी इज ए
मदर, डी इज सी फादर, डी इज सी फादर, एफ इज ए सन, एफ इज ए सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, ठीक है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, और डी दिया हुआ है ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ए इज बी ब्रदर, यानी यहां देखिए ए जो है वह ब्रदर है किसका, बी का। तीर का निशान किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो ए ब्रदर है बी का। सी इज ए मदर, सी दिया हुआ है, सी मदर है किसकी, ए की। डी इज सी फादर, यहाँ डी जो है वह फादर हैं किसके, सी के, डी फादर हैं सी के। एफ इज ए सन, एफ जो है वह ए का सन है, यानी एफ जो है वह सन है, एफ सन है ए का। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तो एफ रिलेटेड टू डी, यानी जो एफ है वह डी का क्या लगेगा, यानी क्वेश्चन है कि यह एफ जो है यह डी का क्या लगेगा। अब ध्यान से समझिए, एफ सन है ए का और ए ब्रदर है बी का, यानी ए का पता लग गया कि क्या है, मेल है, ए भी कंफर्म हो गया कि यह मेल है, और एफ सन है यानी एफ भी क्या है, मेल है, कंफर्म हो गया। डी पिता है सी के, तो डी भी हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। हमें जेंडर भी पता कर लेना है कि डॉटर होगा कि सन होगा। अब देखिए एफ सन है ए का और सी जो है वो क्या है, माँ है ए की, यानी फिक्स हो गया है जो सी है ए की माँ है, तो सी एफ की क्या हो गई, दादी हो गई। अब यहाँ दादी, अब दादी के पिता, दादी के पिता यानी दादी के पिता क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो हमें पूछ रहा है कि एफ क्या लगेगा डी का, तो यह डी जो हो गए वो एफ के क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर, लेकिन एफ जे क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ग्रेट ग्रैंड सन। फिर से समझिए, एफ सन है तो ये पता है मेल है, ए बी का भाई है तो ये भी पता है क्या है, मेल है, डी सी के पिता है तो डी भी क्या है, मेल है। यहाँ क्लियर हो गया। अब एफ सन है ए का यानी ये मेल है तो ये पिता है, और सी माँ है ए का, तो पता है कि अपने पिता की माँ यानी अपने फादर की माँ क्या लगती है, दादी लगती है, यानी ग्रैंड मदर लगती है। अब दादी के पिताजी यानी डी जो क्या है या फादर है सी के, और सी क्या, सी जो है वह एफ की दादी है यानी ग्रैंड मदर है,
तो ग्रैंड मदर के फादर जो होंगे, पिताजी होंगे, वो ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, लेकिन पूछ रहा है कि यह बच्चा अपने ग्रेट ग्रैंड फादर का क्या लगेगा। तो बच्चा अपने ग्रेट ग्रैंड फादर का ग्रेट ग्रैंड सन लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, हमें अच्छे से मेहनत करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि देखो, यह जब स्टेटमेंट के माध्यम से देता है तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, और थोड़ा सा मेल फीमेल में कन्फ्यूज होंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड सन दिया हुआ है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी दे सकता है। तो हमें यह भी पता करना है कि यह एफ जो है मेल है कि फीमेल है। जब यह इंडिकेट कर रहा है कि सन है, तो सन किसको कहते हैं, मेल को ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।